नमस्कार, सलीम भाई कहूँ, सलीम कहूँ, योगेंद्र भाई कहूँ, नमस्कार, सत्कार, आला वर्ष सबको। 2021 जो है वो 2021, अब 22 हो रहा है, यूँ कहें 2021 और 22। और का उम्मीद करते हैं कि जो दिक्कतें, जो मुश्किलें, एक पूरी दुनिया के ऊपर ये जो पेंडेमिक के कारण जो एक तरह से साया, एक बादल छाया हुआ है, काला बादल, वो इस साल जो नया आ रहा है, हम दुआ भी करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हटे और दुनिया जरा नॉर्मल गति, जैसे कहें, वैसे हमारी तो अब नॉर्मल गति है। मन में जितने कूड़े हैं, मन नीयत कितनी काली है, वो जैसे गुरु तेग बहादुर, जिनको ये सेकंड सीरीज जो यारनाथ वर्चुअल बैठक सीरीज है, जिनको ये डेडिकेटेड है, वो कहते हैं कि स्वान पूछ जो होयो ना सून हो, कहे हो ना कान, मतलब कितनी शिक्षा देते रह गया। पर ये मन जो है कुत्ते की पूंछ के जैसा है, सीधा नहीं होता। यानी कि आप समझें, 350 साल पहले गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, सो हमारी नीयत तो मन जो है वो एकदम कंगाल है, कवाड़िया है, सुनियारा होना चाहिए था। पर हम आस करते हैं, और इसी आशा के साथ मैं और योगेंद्र जी इकट्ठे हुए हैं। मेरे लिए किसी भी जिसको मैं जानता हूँ, नज़दीक से भी दूर से भी, जिनकी माता अपने श्वास पूरी करते हैं, मुझे मुझे लगता है मेरी माता भी फिर से श्वास ले रही है, फिर से श्वास अपने पूरे कर रही है। सो मेरे लिए बड़ा इंटीमेट होता है, मैं अक्सर आता जाता नहीं हूँ। कुदरती उनकी ऐसी गलवकड़ी है माता कमला यादव जी की, कि बस उन्होंने मुझे बुला लिया और हमने वो पता देखा गूगल पे, गाड़ी बुक की और हम पहुंच गए सहार निवास नवास, और हम हमने देखा उनके लाडले बेटे को, उनकी लाडली बेटियों को, उनके जो एक्सटेंडेड लाडले बेटे हैं, यानी कि उनके जमाई राजे जो हैं, सब लोग, और उनकी सहेलियाँ, उनकी उनके जो प्यार, जिन जिन को भी उन्होंने प्यार बांटा, वो सब यूँ कहें कि उनकी उनकी आखिरी जो यात्रा है उसमें वो शरीक हुए। ऐसा था जैसे मुझे मेरी दादी याद आ रही थी कि वो कहें कि मैं 100 पूरे करके जाऊंगी और पूरा बैंड बजेगा लेके जाना, यूं ही रोके नहीं जाना। और योगेंद्र भाई ने भी कहा उस दिन, कहें कि स्यापा नहीं पसंद मैनू, कहने के सेलिब्रेशन है और माता की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनकी उनका शगन मनाएं कि ऐसी माँ हो, नसीब मिली हो, तो उसमें तो शुक्राने के ही अक्षर ना खत्म होंगे। पर कुदरत के जो धरती माँ है, जिसके खानियों में से, यानी कि 5 तत्वों को लेकर ऐसी माँ बनी हो, जो प्रेरणा और उनकी जो कहानियाँ मैंने उस दिन सुनी, उनके उनकी जो नटखटपना जो देखा, चावल के खाने की बात और दाल के खाने की बात, इट वॉज क्वाइट ए जर्नी। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, परमेश्वरा, क्या कि उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसको उसका मैं गवाह बन सका। और कुछ मैंने तस्वीरें खींचने का मुझे यूं ही शौक है, आर्काइवस जो हूँ अपनी आदत से मजबूर हूँ, तो कुछ मैंने वीडियोस खींची और कुछ तस्वीरें भी खींची। तो मैं उनको आज सारा दिन बैठ के मैंने कहा कि आज ये करेंगे, पता नहीं उन्होंने मुझे अगवा कर लिया, माता योगेंद्र भाई की माता ने। तो हम दोनों इकट्ठे हुए हैं उनको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, आप सबके संग। और योगेंद्र भाई पिछले 2 सालों 3 सालों से जुड़े रहे हैं खास मुहिम में, किसान संघर्ष है। पिछली बार जब स्वराज अभियान ने किसान संघर्ष किया था तो मैं संग था, रकाबगंज गुरुद्वारा, कितने गुरुद्वारों में हमने इकट्ठे मिलके 1.5-2 लाख किसान पूरे देश से आए थे, उनको हमने होस्ट किया था। तो इस बार मैं, क्योंकि किताबों में, क्योंकि भोजन कीर्तन नीत, जो भोजन है वो रूह का और मन का और परंपराओं की जिम्मेवारियां होती हैं, क्योंकि एक कंटेम्प्रेरी एक्टिविज्म होता है, एक भविष्य के लिए अतीत को भविष्य के साथ तार जोड़ते हैं, तो मेरी वो भी जिम्मेवारियां थी। मैं थोड़ा दूर दूर रह के मैंने अपनी जो शिरकत डालनी थी, पर योगेंद्र भाई ने गवाही भरी है उन शहीद किसानों की, जिन्होंने संघर्ष के दौरान डटे रहकर, हर तसीहा सहकर, हाकमों का जो
जो जिनके पास ताकत है और जो निर्बल हैं उन्होंने अपना बल दिखाया है कि उनकी जो वो इस वतन के माँ और बाप कैसे हैं। उन्होंने सबूत शायद हम लोगों को भूल गया था कि हमारे माँ बाप, हम कहीं लावारिस तो नहीं हो गए, हम कहीं अनाथ तो नहीं हो गए। सो किसानों ने आके हमें, हम सब देशवासियों को बताया, दुनिया को बताया कि नहीं, इस हिंद के अभी माँ और बाप दोनों जिंदा हैं, और अपने बच्चे अगर गुमराह हो जाएं तो उनको रास्ते में डालना प्यार से, कैसे वो जानते हैं, वो कहें कि अगर तुम हट करोगे तो हट तो हमारी कोख से ही हट लेके जन्मे हो। सो ये किसानों की और जितने जो उनके शुभचिंतक हैं, किसानी के शुभचिंतक हैं, और सिर्फ हल नहीं, अहरण भी पहले गई थी, सो कितने संभी पहले गई थी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्रिया जैसे जैसे जाती रही, और एक तरह से आखिरी लास्ट स्टैंड था हमारी अपनी सभ्यता का, उसको हमने कैसे बचाना है। तो योगेंद्र भाई ने गवाही भरी है उन शहीदों को, उनकी उनकी आखिरी यात्राएं इन्होंने गवाही भरी, उनके बारे में भी याद करेंगे। शुरू में हमने जो पोस्टर दिखाया वो कमला जी का था। सो योगेंद्र भाई जी आया नू मैं आपको कहता हूँ, और आपको जी आया कहने से पहले यूँ कहूँ कि हमने जितनों ने भी वीडियोस देखी उसमें ये नोट किया कि जितनी भी उनकी सखियाँ सहेलियाँ उनकी बच्चियाँ आपके माता जी की गाँव से और आसपास से जुड़ी थी, उन्होंने सब रंगीन कपड़े पहने थे, किसी ने सफ़ेद नहीं पहना या काला नहीं पहना। तो देखिए मैं ना, आपने अभी मुझे कुछ देर पहले कहा था कि वो पहली असली इनकलाबी हैं, तो मैंने कहा मैं इनकलाबी रंग पहन लूँ, और फुलकारी पहनी है मैंने, और मधुलिका बहन देखिए मैंने झट से ओढ़ रही, डॉक्टर मनीत कौर ने हमें तोहफे में बख्शी, उन्होंने PhD अपनी कपड़ों के ऊपर शांति निकेतन से, वो भी बंगला कनेक्शन देखिए। सो मैंने कहा कि कितना रंग देखा मैंने, और आज सारा दिन एडिट किया, मैं नोट कर रहा था, सबने नोट किया। तो जी आया नू वेलकम और ओवर टू यू। थैंक यू, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। भाई मैं सोच रहा था पिछले दो दिन से, 27 तारीख सुबह जब माता जी को, 28 तारीख को जब हमने सुबह माता जी की अंत्येष्टि की, देयर वाज समथिंग प्रीऑर्डेंड अबाउट इट। है मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे, कोई साल भर से कोविड जब से शुरू हुआ है अपनी कोई बात ही नहीं हुई थी, तो आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि आप आने वाले हैं, एंड यू हैड नो आइडिया कि हमारे यहाँ पे औरतें जब ऐसे बुजुर्ग के जब मौत होती है तो औरतें गीत गाती हैं। सच बताऊं जब आप आए वहां तो मेरे मन में एक बार तो इच्छा हुई कि मैं आपसे कहूं कि थोड़ा कुछ गा दीजिए, but then I felt there was something inappropriate, मुझे लगा नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, and then of own you started singing, और आपने जब गाना शुरू किया तब पहली बार वो 24 घंटे में पहली बार मैं रोया। तब तक आई वॉज नॉर्मल, आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ बैक, नहीं ठीक है मम्मी तो बाहर थी ही, पहले ही पता था, और एक तरह से उनकी मुक्ति हुई है, यू नो, सब बातें मैं अपने आप को सुना रहा था। फिर आपने खुल के गाना शुरू किया तो मेरे अंदर से भी सोता जो था वो फूट रहा। सो there was something preordained, something magical about all this, and of course you had no idea that my mother loved music so much. Maa ko sangeet se bahut pyar tha, hamare ghar mein sangeet ke liye bahut jagah nahi thi kyunki mere pitaji bahut hi platonic kism ke aadmi the, matlab literally platonic, plato ki jo philosophy thi ki literature music vagera ko bahar rakhna chahiye, lekin meri maa ko pasand tha, chup ke jab hota, jab gunjaish banti तो उन्हें बहुत म्यूजिक पसंद था। तो आपके आने से वो जो बात हुई और वो जो औरतों की रिकॉर्डिंग की, और उस रिकॉर्डिंग से भी ज्यादा खूबसूरत चीज मुझे ये लगी जब आपने उन औरतों के साथ मिलके गाना शुरू किया, वो जो जुगलबंदी थी वो बहुत अद्भुत थी, और जैसा हमने तय किया। ओके, आई नो वी आर, वेल इट कीप्स चेंजिंग, नहीं वी आर बैक, है देयर वाज समथिंग, या समथिंग हैपेंड,
सो समथिंग मैं फिर से आई थिंक मुझे अंदाजा नहीं हम कब से ऑफलाइन हो गए थे, तो आप जी फिर से अगर बताएं आना, जो संजोग की बात कर रहे जी थे आप कि जी 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 आपने जैसे कहा ना कि जब मैंने गाना शुरू किया वहां से, आप बताइएगा कि जब जी आप जी अंदर जी चले गए उठ के, तो उस तब क्या हुआ कि एक पल ना सन्नाटा था, तो मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि कुछ गाओ, कुछ गाना बनता है, चाहिए गाना। और पर मैं भी हिचकिचाहट में था कि न जाने क्या रसम है, क्योंकि मैं पहली बार इस तरह गांव में गया हूं। और हुआ क्या, जब आप उठ के अंदर गए, जब रसम आखिरी शुरू हो रही थी, आपके जाते ही अचानक मेरे पीछे जितने लोग बैठे थे उन्होंने बातें शुरू कर दी। तो मैंने कहा, फिर मैंने गाना शुरू कर दिया, मैंने कहा नहीं, बातें नहीं होंगी सन्नाटा भला है। सो ये अंदर से हुई थी बात जो ऐसा ऐसा सेड, हाँ, ये कुछ एक मैजिकल सा मोमेंट था। मेरे मन में था कि मैं आपसे कहूं कि आप गाइए, और आपके मन में आवाज आई कि नहीं, शायद गाना चाहिए। आप भी हिचकिचा रहे थे, मैं भी हिचकिचा रहा था, और अचानक आपके अंदर से वो संगीत फूटा, और आपके अंदर से संगीत फूटा, और मैंने 24 घंटे से जो अपने आप को रोक के रखा हुआ था, मेरी आंख से भी सोता फूटा। मैंने अपने आप को 24 घंटे से कई तरह से दिलासा दे रखी थी कि नहीं, मम्मी तो बहुत परेशान थी, उनके तो मुक्ति हुई, इतने साल से डिमेंशिया चल रहा था, अब तो पहचान भी नहीं पा रही थी, और डैडी के जाने के बाद तो बेहद परेशान थी। तो मैंने अपने आप को सब तरह से दिलासा दे रखी थी कि नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, वो तो मुक्ति हो गई उनकी, जो हो गई। लेकिन आई हैड नॉट अलाउड माई सेल्फ दैट ग्रीफ, और आपके गाने से अचानक मेरी भी मुक्ति हुई, मुझे भी खुला। और फिर जैसे मैंने कहा, द मैजिकल थिंग वॉज, आई हैड नो आइडिया दैट यू वर कमिंग। इट वॉज सच ए प्लेजेंट सरप्राइज कि मतलब आप आए, वहां देखा मैंने अचानक, और पहले तो आपने मास्क पहना हुआ था। इट टुक मी 2 सेकेंड्स कि अच्छा, बाइबल दीप आ गए। अच्छा, और यू हैड नो आइडिया कि हमारे यहाँ दरअसल जब कोई बुजुर्ग चले जाते हैं तो यहाँ गाने का है, और गाना ही नहीं साहब, अगले दिन तो वहां डांस भी हुआ बुजुर्ग के जाने पे। और जब बुजुर्ग की अर्थी होती है तो उस पर गुब्बारे वगैरह भी, पिंक से फ्लावर्स बांधे हुए थे, गुब्बारे भी होते हैं, उसके पीछे बताशे जो होते हैं, पताशे होते हैं ना, वो भी फेंकते हैं। तो एक तरह का सेलिब्रेशन का जो होना भी चाहिए, किसी की जिंदगी को सेलिब्रेट कर सकना। और जस्ट मैं कह रहा था कि ये साल हमारे लिए, जाते जाते माँ चली गई, लेकिन और वो जुदाई है जिसका हम, वो विदाई है जिसको हम तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। कितने लोग गए, और भाई मैं आप क्योंकि आर्काइविस्ट हैं तो एक फ्यूचर आर्काइविस्ट के लिए कह दूं ये बात, जिस दिन ईमानदारी से काउंट होगा कि सन 2021 में कितने हिंदुस्तानी कोविड के चलते गए, द काउंट विल बी नथिंग लेस देन 5 मिलियन। सारी दुनिया इस मतलब छुप, मतलब पूरा एस्टेब्लिशमेंट छुपा रहा है, विट बी लॉस्ट समथिंग लाइक 5 मिलियन पीपल। 50 लाख से ज्यादा लोग गए हैं, और ये जो 50 लाख का काउंट है, ये पिछले 100 साल के किसी भी एक सिंगल इवेंट से ज्यादा बड़ा काउंट, किसी सिंगल ट्रेजेडी में, किसी कैलेमिटी में, किसी नेचुरल कैलेमिटी में इतने लोग नहीं गए जितने इंडिया में 2021 में कोविड की सेकेंड वेव से गए हैं। और इसके साथ साथ चूंकि हम किसान आंदोलन में थे, उस आंदोलन में हमने 700 से ज्यादा अपने साथियों को खोया, ये शहीद जो बहुत बड़े कॉज के लिए गए। और इसके एक न्यूज़पेपर ने इसके बारे में एक चलाया था, एक डिजाइन किया था, तो मैं उस आर्टिस्ट के पास जाके उस आर्टिस्ट से स्पेशली मांग के लाया ये, और उनमें क्योंकि अखबार ने छापा था इससे, मैंने कहा प्लीज कैन यू गिव मी ए कॉपी, एंड देन आई टुक ए कॉपी ऑफ इट, आई गॉट दैट पर्सन टू साइन इट, यू कैन प्रॉबली सी द सिग्नेचर्स, या आई गॉट दैट पर्सन टू साइन इट बिकॉज इट हैज द नेम्स ऑफ ऑल द 700 प्लस
फार्मर्स हु डाइड, जी ये दैनिक भास्कर अखबार में छपा था। ये 700 से ज्यादा किसान आंदोलन के जितने शहीद थे सबके नाम यहाँ है। और आज का दिन सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं है जिन्हें हम अपना फॉर्मली परिवार कहते हैं, मगर उन्हें भी जो इस बड़े परिवार के हिस्से थे, किसान आंदोलन के 700 से ज्यादा शहीद जो हुए। और इस साल मेरे लिए तो खास तौर पे ये साथी गए, हमारे संगठन के कई साथी, मुझसे यंगर कुछ लोग गए जिसका बहुत ज्यादा अफसोस होता है, मेरे टीचर इस साल गुजर गए, तमाम तरह के प्रोसेस हुए। तो ये साल जाने से पहले एक वक्त है सबको याद करने का, और आपने वो याद करने का एक मौका बनाया, और मेरी माँ का जाना एक तरह से उसका एक बहाना समझिए। माई मदर डिड नॉट गो ऑफ कोविड, लेकिन अगर माँ की याद करने को एक बहाना समझिए उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस साल हमने जिनसे विदाई ली, और उस ओकेशन को अगर हम मार्क कर सकें, और आपने उसको मार्क किया इतने खूबसूरत तरीके से, और मैं समझता हूं इसे सिर्फ मेरी माँ ना समझें, ये कहानी दुनिया की उन तमाम माओं की है। आज मैंने फेसबुक पे माँ के बारे में कुछ कुछ बोला भी, पर अपनी माँ के बारे में बोलते हुए थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि भाई हर एक को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, और होती भी है ना, उससे तो प्यारी कोई हो नहीं सकती। लेकिन कुछ चीजें मेरी माँ पे अलग थी जो मैंने नोटिस की, आपको बताया भी था कि वो एक तो इतनी अनकन्वेंशनल थी कई मायनों में। एक बार मेरी दीदी MBBS कर रही थी, घर आई और बोली कि वो व्रत कर रही है, तो मेरी माँ ने कहा कौन सा व्रत, कहती संतोषी माता का व्रत। तो मेरी माँ ने कहा देख बेटा, या तो तू संतोषी माता का व्रत कर ले या फिर तू मेडिकल कॉलेज में पढ़ ले, दोनों चीजें तो नहीं चल सकती। आई मीन दिस इज, आई मीन आई एम नॉट सेइंग दिस इज समथिंग ग्रेट, आई डोंट नो, शी वाज दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। और उन्होंने, पता नहीं उस दिन मैंने आपको बताया नहीं, उन्होंने मुझे कई साल पहले कहा था कि मैं चाहती हूं कि मेरी बॉडी को क्रीमेट ना किया जाए, उन्होंने कहा कि उसे मेडिकल कॉलेज में दे देना, बच्चे डाइसेक्ट करेंगे बॉडी को। मैंने कहा मम्मी आपकी बाकी सब बातें मान लूंगा, जो कुछ कहोगी कर दूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा ये, बाकी आप कुछ करवा लीजिए, आप बाकी डोनेट कुछ करवा लीजिए, सब कर लूंगा। बट यू नो शी वॉज दैट काइंड ऑफ ए पर्सन। हमारा घर पूरा वेजिटेरियन है, पूरा खानदान हम लोगों का वेजिटेरियन है, और मेरी पत्नी बंगाली है, तो कहने की जरूरत नहीं कि बंगाली है तो सब कुछ खाती है। तो जब बच्चे हुए तो मधुलिका थोड़ा असमंजस में थी कि अच्छा माँ को कैसा ठीक, दादी को कैसा ठीक लगेगा, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए। माई मदर केम एंड सेड कोई भी माँ बच्चों को वही खिला सकती है जो उसने खुद बचपन में खाया है, बेटा जो तुमने खाया है वो बच्चों को खिलाओ। सो इट्स ए प्लेन कंप्लीटली वेजिटेरियन फैमिली, जिसको कहते हैं ना स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन फैमिली, जिसमें माँ कह रही है अपनी बहू को कि तुम चिकन खिलाओ, फिश खिलाओ बच्चों को, क्योंकि माँ हो, बच्चों को वो खाना चाहिए जो माँ ने खाया था। सो बिल्कुल उनके इस तरह के आइडियाज थे, कई मायनों में बहुत बहुत अनकन्वेंशनल। एंड नॉट टू फॉरगेट द फैक्ट दैट शी एक्चुअली केम फ्रॉम वेरी, शी सफर्ड डीप डेप्रिवेशन एज ए चाइल्ड, शी लॉस्ट हर फादर व्हेन शी वाज 6 or 7 year old। इन फैक्ट दैट्स वन थिंग बोथ माई पेरेंट्स शेयर, बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर फादर, रेस्पेक्टिव फादर्स, बिटवीन द एज ऑफ 6 and 8। लेकिन मेरे फादर फिर भी अपनी माँ के पास रहे, माँ के पास कुछ प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरी नानी, उन्हें वापस आना पड़ा अपने मायके, और मेरी माँ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरे के घर में बिल्कुल एक सेवक के रूप में रही। तो 8-10 साल की बच्ची दूसरे बच्चों की बेबी सिटिंग भी करती थी, दूसरों का काम करती थी। और पता एक बार, बस आई नॉट बोर यू विद मोर डिटेल, जस्ट वन मोर थिंग, यू नो Precious, इन द precious. मिड एट यू नो इन द लेट 80s देयर वाज अ टेलीविजन सीरियल कॉल्ड ओशीन, ये जापानीज टेलीविजन सीरियल था, जापान में बहुत पॉपुलर हुआ, और उसको हिंदी में डब करके दूरदर्शन पे चलाया जाता था। उन जमानों में दूरदर्शन ही था और तो कुछ था नहीं। एंड माय मदर वाज वाचिंग दैट सीरियल, मैंने कहा मम्मी आप तो कभी ये सीरियल वगैरह नहीं देखते, क्या देख रहे हो इसके अंदर।
शी सेड, बेटा ये मेरी कहानी है. वॉट इज ओशीन? ओशीन इज द स्टोरी ऑफ दिस जैपनीज गर्ल. वो बच्ची जो 7 साल की उम्र में अपने परिवार से अलग हो जाती है और 7 साल की उम्र में कमाना शुरू करती है, मेहनत करना शुरू करती है, कभी नौकरानी किसी घर में, कभी कहीं पे जाके बहन अपना बच्चों को देख रही है, कभी कुछ बेचने का कर रही है, और हर स्टेज पे उसकी लाइफ में स्ट्रगल है. जब ऐसे लगता है कि अब मामला सुलझ गया, तब ओशिन गेट्स इनटू अनदर सेट ऑफ डिफिकल्टी, एंड डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी आफ्टर डिफिकल्टी. लेकिन वो ओशिन कभी हिम्मत नहीं हारती, हर बार कुछ रास्ता निकालती है उसके लिए. और आखिर में, जैसा कि एक अच्छी फिल्म में और सोप ऑपेरा में होना चाहिए, वो ओशिन सक्सेसफुल होती है और एक बहुत बड़ी बिजनेस चेन क्रिएट करती है. तो मेरी माँ कहती थी, ये मेरी कहानी है. हर जगह इतना स्ट्रगल किया उन्होंने, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, हड्डियां गलाना. और ये मैं नहीं समझता सिर्फ मेरी माँ की कहानी है, हिंदुस्तान की करोड़ों माओं की कहानी है. ये मदर इंडिया वगैरह जो हम डायलॉग यूज करते हैं, और कई लोग बिना सोचे भारत माता की जय कहते हैं, मैं सबसे कहता हूं, यार उस भारत माँ को सोच लो जो अपनी हड्डियां गला के बच्चों को पाल रही है, जो धान की पौध रोप रही है अपनी कमर झुका के, कमर को तोड़ के. तो जब भी मैं भारत माता की जय करता हूं, मुझे नेचुरली अपनी माँ की याद आती है. और ये एहसास भी होता है कि वो अकेली नहीं थी, ऐसी करोड़ों थी जिन्होंने हड्डियां गला गला के हमें खड़ा किया आज. सो फादर से मेरा एक इंटेलेक्चुअल रिश्ता था, मतलब वो पढ़ाते थे, सिखाते थे, लॉजिक बताते थे, कभी कभी हम दोनों बैठ के मैथमेटिक्स की थ्योरम्स करते थे. उस दिन आपने लेकिन माँ के साथ जो रिश्ता अक्षर था, सेरिब्रल इस्तेमाल किया था, बिल्कुल। जी, बहुत सेरिब्रल रिश्ता था. और माँ का मेरे से रिश्ता बिल्कुल क्या बताऊं, जैसे वो गाय भैंस अपने बछड़े को चाटती है ना, वो जो रिश्ता होता है, जो जो जिसको इमोशनल कहना भी उसको कम समझना है, वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल अपने जिस्म से चाट के बनाने का जो रिश्ता होता है, वो था. तो उस माँ का जाना है, हर हर बच्चा अपनी माँ के बारे में ऐसी अनगिनत कहानियां कह सकता है, लेकिन उस माँ का जाना, वो लगता है कि अंदर से कुछ चला गया. और उस मौके के आप गवाह बने, आपने उस मौके को एक सुंदरता दी, डिग्निटी दी, जो कि उस मौके को होनी चाहिए थी. मुझे ये महसूस हुआ आपके आने से, आपके गाने से, उस मौके को वो डिग्निटी मिली. और माँ जहां भी देख रही होंगी अपनी चिता को जलते हुए, उन्हें सुकून होगा, उन्हें लगा होगा हाँ ऐसा होना चाहिए था. और क्या कहूं, आज मुझे एडिटिंग करते हुए एक ऐसा ख्याल एहसास हुआ जो आगे कभी नहीं हुआ था। कितनी चिखाएं हैं जो मैंने भी अग्नि दी हैं। जैसे उस दिन मैं याद कर रहा था, लेखक खुशवंत सिंह जी की चिखा मैंने अग्नि भेंट की। मेरा कोई शरीर रिश्ता नहीं, पर सबब ऐसे बनते हैं। और पतवंत सिंह जो लेखक थे, उनकी भी अग्नि भेंट, जैसे कि मैं पुत्र हूँ उनका, इस तरह मेरे सबब बना, मेरा सबब बना। सो उसी तरह का इवेंट है आपके माता जी के संग मेरा रिश्ता। चाहे अग्नि आपने दी, पर मैं वहाँ सत्संग हो रहा था, माइयों के साथ मैं गा रहा था, पर आज एहसास हुआ कि एक ना कबीर साहब का पता है, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें वो पांच तत्व की वो बात करते हैं, और वो एक भैंस के वक्त वो बात करते हैं कि पांच तत्व की कोई शेखी मारते हैं, कोई ज्ञानी आकर उनके पास, तो कहते हैं कि आकाश गगन पाताल गगन है, चौदेसी गगन रहाई अली।
आकाश गगन पाताल गगन है, चहुदिसि गगनु रहाइ ले, आनंद मूल सदा पुर खोतम, घट बिन सह गगन न जाइ ले, मोहे बैराग भयो, एहो जियो आए कहाँ गयो, मोहे बैराग भयो, एहो जियो आए कहाँ गयो, पंच तत्व मिली काया कीनी, के माना के पंच तत्व मिल काया कीनी, तत्व कहाँ थे कीन रे, ये तत्व कहाँ से किए, किसने किए, उसकी बात कर, पंच तत्व मिल काया कीनी, तत्व कहाँ थे कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहाँ था हो, कर्म ही किन जियो दीन रे, कह रहे कि तुम कहते हो बड़ा शेखी मारते करे सब अंधे जो है कर्मों के वादे हुए हैं, पर ये कर्मों की जो गाथा है किसने दी, उसे उसकी बात कर जो कर्मों का भी दाता है। कहे कि हरि मही तनु है, तन मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे, कहे कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे हुई सो हुई रे। सो सहज की उस दिन माधुलिका बहन बात कर रही थी, तो ये जी ये एक बात मुझे याद आ रही थी, एहसास जो आज हुआ कि तत्त की बात जो चल रही थी कि जो एक एक धुआं उड़ता है, मुझे ऐसा लगा जैसे वो जो एक शरीर था वो हम जितने थे ना सबके अंदर समा गया सांस के जरिए से, यानी कि वो एक माँ ना अब सबके रोम रोम में बस गई है, हम सब उनको लेके आए हैं जैसे फूल बटे हों, जैसे एक बड़ा वृक्ष हिला हो उसके ऊपर से फूल झड़े हों और हम सब बटोर बटोर के लाए हों, हैं उनकी 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 उमंगे, उनकी तरंगे, उनके स्वप्न, उनकी 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 जो सरकैसम थी, जो देखा उन्होंने गलत, उन्होंने जो कहा, वो जो उनका अक्स है बना, मुझे आज फिल्म बनाते हुए धुआं ही धुआं था। मैं जब गा रहा था ना, मैंने कहा मेरा गला क्यों ऐसे हो रहा है, पर मैं ध्यान आया, कह रहे मैं तो धुआं सूंघ रहा हूँ, मेरे अंदर वो बस रही है, मेरे अंदर जा रही, मेरे बीच में बैठ के वो भी गा रही है, ऐसा लगा हम सब में बैठ के वही गा रही थी। ये एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ, आज हुआ। It was very moving. I spent. How beautiful! How beautiful! Yeah, yeah. कुछ दिन पहले मेरी अचानक माँ मुझे याद आई। सर्दियों में मैं कई बार उनकी ना टोपी पहनता हूँ। 23 तारीख को और 25 को माता जी गई हैं, तो एक टोपी पे ही ना मैंने छोटी सी कविता लिख डाली। कोई चंद अक्षर है आपसे अगर साझा करूँ कि ए टोपी जी जी मेरी अम्मा ने आप बुनी सी, जदों मेरी अम्मा ने आप दे स्वास मुकम्मल करके बेझिझक शरीर त्यागिया सी, ता उना ने यही टोपी पाई गई सी, मैं आप दी मां दे मोए शरीर दे सर तो ए टोपी लई सी, ए मेरी मां दा मैनू दिता आखरी तोहफा है, मैनू ए टोपी पाउनी बहुत भली लगदी है, पता नहीं क्यों, हां लगदा है कि अम्मा दा निग अपनी गलवकड़ी विच समा के रखदा है, खास करके जद भी मैं ढिला होवा अपनी अम्मा दी निगी गोद विच निश्चिंत प्या पाना, मैं अपनी मरी मां नाल नित मरदा रहना, मेरी मां आप दे लाडले बाल नाल नित ज्योंदी रहंदी है, नित ज्योंदी रहंदी है। एंड आई रोट इट एंड टुडे आई रियलाइज कि वो किवें ज्योंदी है, वो तो बस गई सारे बच बस गई। आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू टुडे, वी नॉट वी नेवर प्लान्ड दिस कन्वर्सेशन, बट दिस इज वेरी पावरफुल एब्सोल्युटली या
वेरी पावरफुल अ डे. आई रियली एंजॉयड लिसनिंग एंड एडिटिंग. And I feel so not just grateful. This is something. This is the kind of thing that gives you meaning. ये करके जिंदगी में महसूस होता है. इनफैक्ट टोपी से एक छोटी सी बात याद आई, बस वो जिक्र कर रहा हूँ. मेरी माँ बुनने में बहुत अच्छी थी, और बुनने में इतना कि मतलब वो अंधेरे में भी बुन सकती थी, उनको लाइट की जरूरत नहीं थी. और अब पिछले 10-1 साल से उन्हें काफी डिमेंशिया हो गया था, तो उसके बाद तो कुछ भी करना उनका बंद हो गया था. लेकिन आखिरी दिन तक पिताजी ने वही टोपी पहनी जो माँ ने बुनी थी उनके लिए. वैसे वो बिल्कुल नॉन सेंटिमेंटल आदमी थे, कुछ भी जिक्र नहीं, सेंटिमेंट का आप हल्का सा इशारा भी कर दो तो वो उसको झिड़क देते थे. लेकिन वो वही टोपी पहनते थे जो माँ ने पहनी, माँ ने बनाई, बुनी थी उनके लिए हाथ से, और वो टोपी मैंने इनहेरिट कर ली है अब. लुक एट दैट, लुक एट दिस. एंड कविता पे और देखिए, 2 दिन पहले लिख रहा हूं जो जीती रहती हैं, और आज एहसास हुआ कि कैसे जीती हैं वो. एक मतलब ऐसे तो जीती हैं अपनी औलाद में, पर एक जो रस्म है पंच तत्व में, पंच तत्व मिल जाना और अब तत्व हम विलीन सब. होना. हाँ क्या बात है, टोपी की एक गाथा हमारी सांझी हो गई. टोपी की कहानी आपके भी याद आए, टोपी की कहानी मेरे भी याद आए. जरूर. नया साल आ रहा है जल्दी से, तो मैं चाहूंगा कि हम हमारी वार्ता, ये जो बैठक है, जब भी आपकी पहली फुर्सत होगी अगले दिनों में, वील कंटिन्यू एंड वील टॉक द एंटायर जर्नी ऑफ योर, जिसे कहें जो आपका जो ट्रैक है दस फार अभी तक का, बचपन से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी बैठकों का सिलसिला होता है, इट्स लाइक ओरल हिस्ट्री का हिस्सा है वो. हम बैठ के दीदार करते हैं कहानी का, कि बंदा बना तो कैसे बना. बंदा बंदे को बनाने वाले कौन कौन है. आई डोंट नो इफ इट्स वर्थ इट, पर मतलब आपके साथ बात करके अच्छा लगेगा. मतलब आपके साथ बात कर रहा हूँ, इतने में इसका ही रस है अपने आप में काफी है. अब सलीम भाई, ऐसा है, मेरे को सबसे पहला दोहा मेरे दादा भाई ने जो कराया, कहें कि बरखुरदार तुम्हें हम देंगे महंगा इल्म. मैंने कहा क्या बात दादाजी. ही वॉज 1900 पाउंड, एल्डेस्ट ऑफ माई ग्रैंड अंकल्स, भाई अर्जुन सिंह तरगढ़. मैंने कहा क्या बात, अपने पोते से आप क्या महंगा मतलब सौदा लेंगे. कहें कि नहीं, बरखुरदार खबरदार. मैंने यूं ही छेड़ा उनको जैसे दादा पोता छेड़ता है. कहें कि बेटा बरखुरदार, जिस इल्म को आप खरीद के ले आए वो महंगा नहीं होता, महंगा वही होता है जो कभी खरीदा ना जाए. क्या बात है, पहले तो उन्होंने ये समझाया कि महंगा इल्म क्या होता है. तो कहें कि पर इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी की जाके पगड़ी उछालते फिरो, एरोगेंट मत हो जाना. और आपने जो कही कि हमारा इस योग्य है कि नहीं, उन्होंने फिर पहला दोहा लिखाया जो साझा कर रहा हूँ, रहीम खां का, कहें कि काफी लाए हो. मैं कहा हाँ जी. तो कहें लिखो, कहें कि वडे वडियाई ना तजें, वडे ना बोल रहे बोल, वडे वडियाई ना तजें, वडे ना बोल रहे बड़े बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा बोल. हमारा काम नहीं है सही भाई कि हम किस योग्य हैं कि हमें कोई कबाड़ी लेके जाएंगे, या बहुत जे कहे माथों के रोशन जिनके चिराग लंबे चलेंगे वो हमें बटोर के ले जाएंगे. हम तो बैठेंगे और जो इवेंटफुल रही आपकी आपका सफर, उसके बारे में वो करेंगे. आज जो है मकसद था, जो वीडियो हम सब ने बनाई मिल के, आप सब पात्र हैं, हम सब उसमें जुड़े हैं, झट से बनाई है, तो वो साझा करने से पहले मैं चाहता था कि मैं अपनी तरफ से अपने सारे यारनाद, जो हमारी वॉलंटियर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, यार दोस्त हैं, समर्थक हैं, सपोर्टर्स हैं, पेट्रन्स हैं, उन सब की तरफ से जो जो इस साल गए हैं, उन सब के लिए तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. और जो जो आए हैं गोद में, उन सब की हम मुबारक भी देते हैं, क्योंकि सिर्फ वो
जैसे कहें दो आंसू बहाना भले हैं, एक गम का हो और दूसरा खुशी का हो। सो जो सच्चा जो पानी है ना वाह वाह जिंदगी का, वो यूं होता है कि वो आधा हर दफा रोता है आधा हंसता है। सो ये गुरु नानक के बिगाड़ों का ये हाल है। तो मैं चाहूंगा योगेंद्र भाई, आप भी इससे पहले कि हम सबको वीडियो साझी करें, आप ओवर टू यू एंड देन आफ्टर द वीडियो वील जस्ट एंड, क्योंकि उसमें पहले सबको बता दूं कि 1 घंटे के करीब है। शुरू में चिखा की तरफ जाएंगे हम, और माताएं चंद मिनटों के बाद गाना शुरू करती हैं। सो उनका गाना है, बीच में एक दो मैं जो गाए हैं पदे वो भी हैं बीच में। और मैं चाहूंगा कि ये द रीजन वाई वी हैव चोजन, मी एंड योगेंद्र भाई हैड अ ब्रीफ कन्वर्सेशन कि क्या ऐसा करें। उन्होंने भी कहा कि हाँ इट्स ए नॉट ए बैड आइडिया, मैंने तो वाइल्ड आइडिया कहा था, वो कहें कि नहीं नहीं वाइल्ड क्या है इसमें। पर मकसद ये है कि कबीर साहब की रचनाएं हैं, गुरु तेग बहादुर साहब की रचनाएं गाई गई हैं। आई थिंक नए साल का आगाज करना ब्रह्म तत्व ब्रह्म विचार के साथ अगर हम करें तो सबसे मुबारक होता है। तो मेरी तरफ से और ऑफ कोर्स यादव परिवार की तरफ से, उनके पूरे जो जो मंडल है उनका, उसकी तरफ से योगेंद्र भाई अभी बात करेंगे। सो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ योगेंद्र भाई की तरफ पास करता हूँ। ही विल हैव द लास्ट लास्ट वर्ड एंड देन आई विल क्वाइटली प्ले द वीडियो ऑफ द डे ऑफ द लास्ट वॉक ऑफ मिसेस कमला। बस आई डोंट वॉन्ट टू कम बिटवीन यू एंड द वीडियो, क्योंकि वाकई मैं चाहता हूँ कि लोग वो देखें, वो रस वो रंग जो विदाई से भी जुड़ा है और जैसा आपने कहा आगमन से भी जुड़ा है। हर विदाई के साथ आगमन है और हम उसको भूल जाते हैं क्योंकि विदाई का गम कई बार इतना ओवर पावर कर लेता है। तो बस माँ माँ का जाना और ऐसी लाखों करोड़ों माओं का जाना, लेकिन इस बीच कितनी लाखों करोड़ों आगे होने वाली माएं आई भी होंगी हमारे बीच, सृजन भी हुआ है, उस सब का स्वागत करना। एक उम्मीद कि ये 2022 कम से कम वो दुख का साया ना लाए जो 2021 में पेंडेमिक में हमने देखा। और मैं तो मेरी एक सीक्रेट उम्मीद है, और वो मेरी सीक्रेट उम्मीद ये है, हालांकि मैं बिल्कुल साइंटिस्ट नहीं हूं एंड डोंट टेक मी सीरियसली वन बिट, लेकिन मेरी सीरियस उम्मीद ये है कि ओमिक्रॉन जो है ना, ये पूरे दुनिया के लिए वैक्सीन का काम करेगा, क्योंकि सबको होगा लेकिन इस उतना खतरनाक नहीं है। कहीं एक बहुत ही हो सकता है नादान सी उम्मीद हो, लेकिन ये उम्मीद है कि ये ऊपर वाले वैक्सीन बना के दिए पूरी दुनिया के लिए, और ये होगी, और उसके बाद हम कोरोना को सत श्रीकाल करेंगे, बाय बाय कर सकेंगे और जिंदगी आगे चलेगी। हम सब के लिए 2022 मुबारक हो, खुश हो और रंग लाए, और ये जो गम का साया है ये बस अभी अगले 20 मिनट में हमारा साथ छोड़ दे, अगले 13 मिनट बाद हमारा साथ छोड़ दे, और आप ये रंग और गीत सुनते हुए नए साल में प्रवेश करें और नई खुशियों में प्रवेश करें। शुक्रिया।
Hello.
It was so beautiful. Thank you so much. Ah!
सितारा
चले चतुराई ओ आया चाल
आजकल आजकल तो अग्नि भी चीनी पसंद ना करे है किलो मौसम को अग्नि को भी डायबिटीज हो लिया आजकल सच्ची बात है फिर मैं दवाई कौन दे दूं अग्नि ना अपन ने तो डॉक्टर संभाल के वो अग्नि कौन संभाले वो करेगी तो अग्नि देवता ही ना थोड़ा घी डाल देगा तो पिए लकड़ी थोड़ी सी ठीक है सर ठीक है सर
Yeah.
जाएगा
मुझे एक उनका याद आ रहा था, भगत नामदेव जी का, आप जो गा रहे थे ना सुनियार वाला चुमार वाला, उनका है मन राम नामा बेधियले जैसे कणिक कलाचित माडियले, पुरानी मराठी है। हाँ हाँ मन राम नामा बेदियले जैसे कणक कला चित मांडियले, मन राम नामा बेदियले जैसे कणक कला चित मांडियले, आनीले कागद काटीले गुडी आकाश मधे भरमयले, पंच जनास्यों बात बतौआ चेत सुडोरी राखियले, मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले, आ नीले गागर आ नीले कुंभ भराईले उदक राज कुवार पुरंदरी, आ नीले कुंभ भराईले उदक राज कुवार पुरंदरी, हसत विनोद विचार करती है, हसत विनोद विचार करती है चित सुगागर राखियले, मन राम नामा बेधियले जैसे कनक कला चित मांडियले। आपने एक दस द्वार का गाया, भगत नामदेव जी कहते हैं आ मंदर एक द्वार दस जाकर गौ चरावण छाड़ियले, मंदर एक द्वार दस जाकर गौ चरावण छाड़ियले, पांच कोस पर गौ चरावत चित सो बछरा राखियले, पांच कोस पर गौ चरावत चित सो बछरा राखियले, मन राम नामा बेधियले जैसे कनक कला चित मांडियले, कत नाम देयो सुनो ते लोचन बालक पालन पौड़ियले, कत नाम देयो सुनो ते लोचन
बालक पालन पौड़ी अले अंतरी बाहरी काज विरुधी चित सुबारक राखी अले अंतरी बाहर काज विरुधी चित सुगागर राखियले मन राम नामा बेदियले जैसे कनक कला चित मांडियले मन राम नामा। आपकी बातों से मुझे भी याद आ रहा था, ये पुरानी मराठी है, हिंदी में एक गुरु तेग बहादुर जी का याद आ रहा है, एक जगत मही झूठी देखी प्रीत, वो सुना है कभी? हाँ हाँ, झूठी देखी प्रीत जगत मैं झूठी देखी प्रीत जगत मैं अपने ही सुख स्यों सब लागे अपने ही सुख स्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत क्या दारा क्या मीत झूठी देखी प्रीत जगत मैं झूठी देखी प्रीत जगत मैं अपने ही सुख क्यों सब लागे अपने ही क्यों सब लागे क्या दारा क्या मेरो मेरो सब कहत है मेरो मेरो सब कहत है हित स्यों बाधे ओ चीत हित स्यों बाधे ओ अंत काल संगीन को अंत काल संगीन को एह अचरज है रीत एह अचरज एह अचरज हरीत झूठी देखी प्रीत जगत मैं झूठी देखी प्रीत जगत मैं अपने ही सुख स्यों सब लागे अपने ही सुख क्यों सब लागे क्या दारा क्या मीत क्या दारा क्या मीत मन मूरख आज हूँ न समझत मन मूरख आज हूँ न समझत सिख दहारे नीत सिख दहारे नीत
नानक भाजल पार परे, नानक भाजल पार परे, जो गावे प्रभु की गीत, जो गावे प्रभु की गीत, जो गावे प्रभु की गीत, झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी देखी प्रीति जगत में, अपने सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दादा क्या मीत, क्या दारा क्या मीत, झूठी देखी प्रीति जगत में, झूठी देखी झूठी देखी, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, बड़ा सुकून हुआ भाई। आई वॉटरिंग जो गा रहे हैं हमारे यहाँ गांव में हर चीज के लिए गीत, वाह वाह, शादी के लिए भी, गमी के लिए भी, हर मौके का गीत। मधु तो बहुत फॉलो करती रही है, हाँ थोड़ा कुछ, और ब्रह्म ज्ञान है, तथ्य है, कोरा सच है, भरम का भांडा फोड़ दिया है। Bye.
पुस्तति गोविंद सिंह गुरु, ये मेरी कुछ रचनाओं में शुरू में करता हूँ कि गर्जत मृदंग आज गुरु गोविंद सिंह ने चरणन प्रभाव बजावत गुण गावत गुणि गंधर्व सुर लावत चटकावत दौस तरंदा वीर सर कावत गजनों पर झगड़ धावत दे दे मकान छय ले सत्संगति अम्यो सर प्रयोग प्रयोग पुकारत छक छक खेल करत मधु भूमि मैल उतारत पंच त्याग पंच धारु मंगल करत परात्मक सतरंग बरसत गुर प्रसन्न भयत देवत करताल मुस्कावत मुखों पर दयत भर भर अमृत जान पिलावत खंड मिला झुक झुक बनी बनी पावलावत शीश अर्पावत मुक्त कहावत सिंह सूर हो जावत लुभावत अपने सतगुरु भावत सरकटे सीना करत मन लुड़कावत कर्म गुरु गावत ध्यावत सांत यावत जिगरा अर्पावत तिल बिलमल लावत गुर इच्छत मर जाना मर जावत फल पावत सुहागनावत. दिस इज फ्रॉम 2001 आई रोट बट देन पॉलिटिक्स अमरिंदर नफरत है ही राइट्स. Imagine the next page. Oh no! Can you imagine? And then revived single-handedly. He said, "Taxi ban dala." I said, "Likhega main kitab kya?" Sidhu, one of the last days culture minister. Matlab sab darte, ladte, marte hain mere se. But this is like, you know, see, I promised the thing. So this mein, isme, for the first time, the Pahavaj. Tradition. I'm the head of the oldest school of Pahavaj in South Asia. So ye pehli baar hua hai. Verse was totally. Yeah. So I'm, that, I'm the oldest school. No other school, north or south, is as old as. So isme Guru Nanak's original in Rag Gaudi Bairavi. अच्छा. इसमें पहली बार ये लिपि नहीं बनाई है. साथ में पखावज जिस रसम थी गाने की, ये पहली बार अस्थाई अंतरा संचारी जैसे जैसे ताल बढ़ रही है. So, Paidan, this nobody else could have done. The reason absolutely. Why I had to sit and deliver, absolutely. Because the memory is all, every civilization lives in the memory of its people. Absolutely. You want to kill a civilization, you create a wedge between the unassuming elders, or so unassuming youngsters, and the knowledge-bearing elders. But then, you know, each of these need to be recorded. Yeah, that's the next question. So I have added now 350 more pages to this. It's 2432 now. It's my So it's six volume collection. Six volume. So, which you put together in a single volume. हाँ जी. So ये रखते हैं number. क्या खा रही हैं ना? हम खा रहे हैं अरहर की दाल और चावल. इसकी क्या कहानी है? कहानी इसकी है कि दिस इज मम्मीज फेवरेट फूड. मम्मी ग्रू अप इन इलाहाबाद एज अ चाइल्ड, सो शी हैड नोन द टेस्ट ऑफ अरहर की दाल और चावल. ये छिलके वाली दाल नहीं है ना, धुली दाल. हाँ,
तो धुली दाल चावल कैसे खाते हैं, ये इलाहाबाद में उन्होंने सीखा। हरियाणा आई, यहाँ पे कोई धुली दाल खाता ही नहीं, और चावल तो घी बूरा के साथ खाई जाती थी। तो इसलिए मम्मी के लिए दिस वॉज अ ट्रीट। तो मेरे पास आती थी, आज मधुलिका अरहर की दाल और चावल बनाएंगे। चावल बस फेस्टिव फूड, क्योंकि चावल के साथ आप घी और बूरा डाल के खाते थे, और वो खाने की शुरुआत में खाया जाता है एज अ सेलिब्रेशन। उसके बाद तो आप रोटी खाते थे, खाना तो रोटी होता था। This is lovely. Thank you so much for a wonderful, wonderful. Amazing. Thank you for just coming. Yeah. So amazing. And for making it the spiritual location that it should have been. Should have been. खुशी और बहारां, बहारां दे विच बहारां दी गल्लां। थैंक यू।